सीताराम डेरा स्थित गुरुद्वारा में मंगलवार को भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी को सम्मानित किया गया। भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी अपने शहर प्रवास के दौरान सीताराम डेरा गुरुद्वारा गए और सभी सिख समाज के लोगों को बैशाखी की शुभकामनाएं दी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो देश भर में बैसाखी के धूमधाम से पर्व त्योहार मनाई जा रही है और गुरु के चरणों में आकर के हमेशा ही हर्ष और खुशी होती है। गुरु ने ही वो रास्ता दिखाया, गुरु ने ही वो बात बताई है। गुरु गोविंद तो कहते आपने गोविंद भी और बताओ आज गोविंद की परिवार में डॉक्टर आप दर्शन किया है। पढ़ाई पूरी करके चंदन के आई गया और आपके आशीर्वाद देते हैं वापस है। इस टाइम तो मैं आपके लिए बड़ा अच्छा लगता है वापस है यहाँ आकर के सब लोगों से मिलना और मिलकर के खुशी होती है। आप लोगों का स्नेह क्या सुनता रहे, गुरु का आशीर्वाद बना रहे, इसी काम आपके साथ बहुत धन्यवाद। आप लोग वहीं दूसरी ओर कदमा गुरुद्वारा में टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद को शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। बैशाखी के अवसर पर श्री प्रसाद ने सभी को शुभकामनाएं दी। मैदानी कदमा में हुआ शैलेश भाई बैठे हुए हैं, अभी देख रहा हूं। और इस गुरुद्वारा में मैं हमारे मित्र किट्टू और पप्पी के साथ काफी पहले से आता रहा। कई बार मैं गुरुद्वारा माया में लंगर खाया और सेवा भी कभी कभी किया, क्योंकि हम लोग बचपन में एक साथ उठते थे बैठते थे, तो इस सब का मौका मुझे यहाँ मिला। और जब भी यहाँ आता था काफी शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था गुरुद्वारा खाने में। इसलिए मैं इस गुरुद्वारा में मैंने बचपन से ही आ रहा हूँ, इससे काफी लगाव है। और मुझे पता है यहाँ के जो लोग हैं कभी कभी बोलते हैं इस गुरुद्वारा में छोटा छोटा प्रॉब्लम है, तो उस समय में उस लाइव आइए मिलिए हम लोग से, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो समस्या है हम लोग प्रबंधन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान निकले। उधर सोनारी गुरुद्वारा में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। पुस्तकालय में सिखों के इतिहास के अलावा अन्य पुस्तकें हैं जो हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी में उपलब्ध है। 2015 दिन मंगलवार को गुरुद्वारा साहिब में एक सिख लाइब्रेरी विधिवत उद्घाटित हुई है, जिसमें हमारे माननीय श्री बच्चन सिंह सरल बंग विभूषण कोलकाता, सरदार कृपाल सिंह सिद्धू, गुरुदेव सिंह जी पप्पू, हरजीत सिंह जी बिट्टू, बलवंत कौर खनुजा क्या उद्देश्य लाइब्रेरी ये विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्देश्य ये है कि आज हमारे जमशेदपुर में लाइब्रेरी की बहुत कमी हुई है और पुस्तक जो है एक हमारा एक अनमोल भंडार है जिससे हमारी बुद्धि विकसित होती है। हम चाहते थे कि कुछ किताबें लाएं और बच्चों को अपने लोगों के बीच इन किताबों का सर्कुलर हो और पढ़ें, और हमारा जो सिख इतिहास है, कुर्बानियाँ, इतिहास, हमारे गुरुओं की कहानियाँ, गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके बारे में रूबरू हम हो सकें, ऐसी पुस्तकों को लाने के लिए हम लोगों ने समावेश किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन का निर्मल गेस्ट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। आखिरकार काफी इंतजार के बाद हाईकमान ने जिलाध्यक्ष की घोषणा करते हुए एक बार फिर रामदास सोरेन को जिम्मेदारी सौंपी। रामदास सोरेन तीसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं। निर्मल गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को निस्वार्थ भाव से पूर्ण रूप से निभाएंगे और
यहाँ पर हमारे इस जिला में सभी को एक साथ लेकर के चलेंगे, सभी वर्गों को हमारे संगठन में जोड़ने का काम करेंगे, सभी वर्गों को नेतृत्व करने का मौका देंगे। और सबसे बढ़िया बात है, आगामी दिनांक 16, 17, 18 अप्रैल को हमारे केंद्रीय महाधिवेशन जमशेदपुर के रिगल मैदान में संपन्न होने जा रहा है, जिस पर अभी हम इस जिला से जिला कमेटी का नॉमिनेट हुआ गया है, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी जो करती है। आज प्रखंड कमेटी से पंचायत कमेटी के लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, प्रतिनिधित्व कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके लिए मैं आज जिला समिति के बैठक, जिस पर हमारे नया सभी जिला समिति के पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता जिला के और सभी प्रखंड के अध्यक्ष सचिव को मैंने बुलाया है। कीताडी में माइलो टुडू नामक महिला पर उसके पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। पुत्र ने बताया कि पिता नशे की हालत में मारपीट करने का आदी है। हमको तो पता नहीं, हम तो वहाँ रहते हैं अपना घर में, जैसे खबर मिला तो फोन करके तो बोला कि ऐसी सब बात है, कुछ पापा ने माँ को कुछ जैसे कटा होगा, घूम 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 पिताजी किसको माला, मम्मी को। अच्छा, हम तो वहाँ रहते थे ना घर में, आए के लिए माला नहीं, कुछ झगड़ा हो गया था। क्या जिसे मारा, कैसे से मारा हो तो मालूम नहीं है। पिताजी क्या करता है, ऐसे ये है, मजदूर है। पारडी स्थित साईं मंदिर में मंगलवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वीर बजरंग बली के स्थापना दिवस के ऊपर शुभ मंगल जल यात्रा का प्रोग्राम संपन्न हुआ है। अभी 10 बजे प्रातः काल से पूजन का कार्यक्रम और हरे राम हरे कृष्ण आदि कीर्तन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद वो वेदी पूजन और प्रभु का मूर्ति का जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास आदि का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। समाज सेवी बेली बोधनवाला के पिता स्वर्गीय DP बोधनवाला की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस भवन में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हमारे पिताजी के जन्मतिथि आज के दिन हो रहा है, 14 अप्रैल, तो इसी के अंतर्गत हम लोग हर साल, एक्चुअली साल में 2 बार ही ब्लड डोनेशन, हमारे जो शुभचिंतक है, हमारे वर्कर है, ये सब हमारे अपने आप आते हैं यहाँ पर और अपना रक्तदान देते हैं। और अगले साल भी हम लोग ने दो मौके पर सब मिल के 550 ब्लड मैंने रक्त दिए थे, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से और भी हमारे बीच लोग आएंगे और हम इसके माध्यम से जिन जिनको सहायता दे पाते हैं देने की कोशिश करें।